हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत है। तो चलिए कर लेते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत में करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग पिछले कल एक फंक्शन में गए थे, हमने आपको बताया भी था। तो वहाँ पर हम लोग गए थे और जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर खाना खाया जा रहा था, तो हम लोगों ने भी साथ में फिर इनके साथ खाना खा लिया। तो यहाँ एक छोटा सा बच्चा जिसके घर में ये फंक्शन था, तो ये बहुत ही ज़्यादा नटखट है, बहुत ही शरारती है। तो ये जब खाना खा रहा था तो ऐसे ऐसे काम कर रहा था कि पूछो ही ना। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि आज हमने अपने ब्लॉग में क्या क्या क्लिप्स कैप्चर किए हैं। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूँ कि चैत्र महीना शुरू हो गया है, तो इस महीने में जो है लौल गाई जाती है। और अगर आपको ये इसके बारे में कोई भी पता नहीं है तो आप हमारा प्रीवियस ब्लॉग चेक कीजिए, हमने अपने पिछले ब्लॉग जो भी बनाए हैं उनमें ये बताया इसका पूरे विवरण। तो एक लड़की होती है लौल, जिसकी शादी नदी के पार कर दी जाती है बहुत दूर, तो फिर उसी के ऊपर ये बनाया हुआ है। तो इस महीने कुछ जाति के लोग जो है घरों घरों में जा कर के ये लौल गाते हैं, तो हमारे यहाँ भी गाते हैं तो उनको हैसी बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको सुनवाती हूँ उनकी लौल, बहुत ही सुंदर गाते हैं, बहुत ही मधुर आवाज़ है उनकी। तो वो दिखाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हम लोगों को पड़ा हुआ है आजकल बहुत ज़्यादा काम। तो गाँव वाले घर में गए थे हम लोग, तो वहाँ से हमने लकड़ियाँ भी लानी थी और ये कुर्सियाँ वगैरह भी रखनी थी, तो यहाँ पर वही काम चला हुआ है जोरों शोरों पर। तो चलिए मैं आपको अपने ब्लॉग में लौल सुनाती हूँ और दिखाती भी हूँ। सदा चंदे सलाम को लख लख चंदे चंदे सुंदर आज रखो भगवान दीजिए सोदा। नमस्ते। हाँ, आइयो सोदा, आइयो बैठा बात दिए, आइयो बच्चा, आइयो बैठ राजी, आइयो वो चला कुर्सी की तरह बार एक लाइट भारती ठीक है। कोरिया तीन जने उतरे ओ, तीन जने उतरे ओ, आई गे लाल लंबा
तो डियर फ्रेंड ये थी लॉल जो कि इन लोगों के मुंह से मैंने आपको सुनवाई, तो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है और इस तरह से ये ध्रुव भी दी जाती है और ये लोग इसी तरह से गाते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि भी आती है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए।